हमारे देश में आप किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए, लोग सरकार की बुराई करते और कहते मिल जाएंगे कि सरकार कोई जानकारी नहीं देती है, किसी योजना का पता नहीं चलता और भी बहुत कुछ। आप कभी उनसे पूछिए कि क्या आपने डिजी लॉकर, एम परिवहन और उमंग जैसे ऐप्स के बारे में सुना है या इस्तेमाल किया है। इसका जवाब बेहद ही रोचक होने वाला है। आम जनता के लिए सरकार की तरफ से कई सारे ऐप्स उपलब्ध कराए गए हैं जिनका इस्तेमाल आप रोज कर सकते हैं और बेकार की झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं। एम परिवहन, आपकी कार या बाइक से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको एम परिवहन पर मिलने वाला है। एम परिवहन ऐप भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय का ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और गाड़ी के कागजातों को अपने साथ रखने से छुटकारा पाइए। ऐप पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वर्चुअल तरीके से सेव कर सकते हैं। ऐप में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल्स डालने पड़ेंगे जैसे कि नंबर और डेट ऑफ बर्थ। OTP डालने के बाद आपका वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो जाएगा जो आपके कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस की तरह हर जगह वैलिड है। आप अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा भी इस ऐप पर जांच कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी के इंश्योरेंस, टैक्स और पोल्यूशन से जुड़े कागजात भी इस ऐप में पा सकते हैं। डिजी लॉकर, नाम से ही साफ है, डिजी लॉकर बैंक के लॉकर की तरह आपकी तमाम जानकारी सेव करके चलता है। डिजी लॉकर ऐप में इशूड डॉक्यूमेंट के नाम से एक मेन्यू होता है जिसमें आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बोर्ड की मार्कशीट को रख सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले आपको डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। केंद्र सरकार के इनकम टैक्स, PF और स्किल इंडिया जैसे 27 विभाग, राज्य सरकार के 36 विभाग, LIC और डिफेंस सहित 250 से ज्यादा प्रोग्राम की जानकारी और उनसे जुड़े दस्तावेज डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो आजकल सबसे जरूरी है वो अभी आप हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्शन में डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, इशूड डॉक्यूमेंट्स असली डॉक्यूमेंट्स की तरह हर जगह वैलिड हैं। एक और बात जान लीजिए, आप डिजी लॉकर पर स्कैन करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं बिल्कुल गूगल ड्राइव की तरह, पर वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। उमंग, सरकार की ज्यादातर योजनाओं के बारे में जानने के लिए सही ठिकाना है उमंग ऐप। इस ऐप को यूज करने के लिए पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस ऐप को यूज कर पाएंगे। आप उमंग ऐप से बिल भी जमा कर सकते हैं और उनसे जुड़ी शिकायत भी यहीं पर दर्ज कर सकते हैं। PF से जुड़े काम जैसे अपनी पासबुक चेक करना या आधार नंबर ऐड करना यहीं से हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल 21,815 सर्विस उमंग ऐप पर मौजूद है। सरकार की कई फ्लैगशिप स्कीम जुड़े सभी डिटेल्स और वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप इन योजनाओं के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी यहीं से हो जाएगा। अभी कुछ महीने पहले इस ऐप से कोविन को जोड़ा गया था। एम आधार, आधार अब जीवन का आधार बन चुका है और ऐसे में डिजिटल आधार होना एक तरह से जरूरी हो गया है। एम आधार पर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर रख भी सकते हैं और अच्छी बात यह है कि कुल 5 आधार कार्ड एक अकाउंट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं, मतलब कि पूरे परिवार के आधार कार्ड आप एक साथ एक जगह पर रख सकते हैं। ऐप को यूज करने के लिए आपको पासवर्ड बनाना होगा जिसको एंटर करके आप आधार से जुड़े कई सारे काम भी कर सकते हैं। आप अपना गुम हुआ आधार यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं। MyGOV, सरकार से यदि आप सीधा संवाद करना चाहते हैं तो MyGOV ऐप आपके लिए है। सरकार के कामकाज से जुड़े ब्लॉग हो या कोई पोल, सब यहीं पर मिलता है। मुख्य स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाले 5 आइकन में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप सरकार को अपने सुझाव दे सकते हैं जैसे कि मन की बात में क्या डिस्कस होना चाहिए या फिर उमंग ऐप में और कौन सी नई सर्विस जुड़नी चाहिए। MyGOV ऐप में बहुत सारे क्विज भी चलते रहते हैं जिसमें आप भाग लेकर इनाम भी जीत सकते हैं। वैसे केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से और भी कई सारे ऐप्स उपलब्ध कराए गए हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।